पत्रिका के सभी सुधी पाठकों एवं दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, हमारा देश और दुनिया तमाम नक्काशियों से भरा हुआ है। मंदिर हों या महल, किले हों या गुरुद्वारे, ऐसी नक्काशियां देखने मिलती हैं जो दांतों तले उंगलियां दबाने मजबूर कर देती हैं। हम आज आपको लेकर आए हैं कटनी ज़िले का एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसा मंदिर जो शहर से चंद किलोमीटर दूर स्थित है। ये है वो मंदिर। ये आप देख रहे होंगे, ये मंदिर ज़रूर खंडहर और वीरान लग रहा है, लेकिन इसकी खासियत जान बहुत ही अजीबोगरीब है। ये मंदिर बिना किसी जोड़ के बना हुआ है, केवल पत्थरों के सहारे टिका है। इस मंदिर का इतिहास भी बड़ा प्राचीन है, ये कोई आज का मंदिर नहीं है। यहाँ के लोगों की माने तो सदियों पुराना ये मंदिर है। ये देखिए, केवल सिर्फ पत्थरों के सहारे टिका हुआ है। इस मंदिर की एक ख़ास बात और है कि यहाँ 365 दिन भले ही पूजा न होती हो, पर महाशिवरात्रि के दिन यहाँ खास पूजा होती है। प्रतिदिन पूजा न होने की बजाय बताते हैं लोग कि प्रतिमा यहाँ की खंडित है, इसलिए लोग सिर्फ यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं। ये देखिए, आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मंदिर में किसी प्रकार का जोड़ नहीं है। ये देखिए, मंदिर के गुंबद में किस तरह की नक्काशी की गई है, बड़ी ही शानदार नक्काशी है। इस मंदिर से बस समीप ही एक सरोवर भी है। ये देख रहे होंगे आप, मंदिर के ठीक सामने सरोवर है। यहाँ पर लोग स्नान आदि करके, पवित्र होकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन को पहुँचते हैं। यह मंदिर कलवारा बस्ती के ठीक सामने स्थित है। शहर की यह ऐतिहासिक धरोहर भले ही प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेल रही हो, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए आज भी आस्था का केंद्र बनी हुई है।